हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है आप सभी की बोर्ड प्रिपरेशंस? आई नो कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है, इसलिए सभी प्रिकॉशंस लें और सेफ रहें। साइकोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टार्टिंग से इस पर फोकस बनाकर चलिएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। इससे पहले हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इन केस आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। और मैं हूं श्रेया, आपकी साइकोलॉजी मेंटर। ऑलराइट, सो मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में हम कुछ ब्रॉड टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, जो कि है मेनली स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के बारे में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? नेचर, टाइप एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, फर्दर इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ। अब जब स्ट्रेस इतना प्रेवेलेंट हो ही गया है, देन हाउ टू कोप विद द स्ट्रेस एंड स्ट्रेसफुल कंडीशंस, देन प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। सो इसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेस। अब जनरल या फिर ब्रॉड लेमन लैंग्वेज में तो हम सभी को पता है स्ट्रेस क्या होता है, लेकिन हाउ कैन यू डिस्क्राइब स्ट्रेस? सो स्ट्रेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड organism makes to a particular stimulus, a stimulus event that disturbs the equilibrium and exceeds a person's ability to cope. तो जब person उस particular stimulus का जो reaction हो रहा है उसको cope up नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या create होता है? तब create होता है stress। जब ये equilibrium disturb हो जाता है और cope up नहीं कर पाता है, coping capability down चली जाती है, तो स्ट्रेस डेवलप होता है। अब जो स्ट्रेस है वो ना तो काफी हाई होना चाहिए और ना ही काफी लो होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही केसेस में ये हार्मफुल होता है। अगर ये हाई होगा तो क्या होगा? तो आपको इसके काफी अनप्लीजेंट इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, विच कैन कॉज आवर परफॉर्मेंस टू हैम्पर इन डिफरेंट फील्ड्स। लेकिन अगर ये काफी लेस होगा तो फिर हम लो ऑन मोटिवेशन फील करेंगे और हम परफॉर्म भी स्लो कर पाएंगे और हम एफिशिएंटली भी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। अब स्ट्रेस के जो रीजंस हैं वो तो इन्यूमरेबल हैं, लेकिन जैसे कि जो चैलेंजेस हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं वो सब स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। फर्दर द प्रॉब्लम्स, द डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, वी ऑल आर पुट बाय सम और द अदर वे। ऑलराइट, अब एक चीज होती है, एक टर्म होता है यू स्ट्रेस। ऑलराइट, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना, ये आपके क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। यू स्ट्रेस क्या होता है? इट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर यू। तो जितना लेवल ऑफ स्ट्रेस आपके लिए अच्छा होता है उसको हम यू स्ट्रेस बोलते हैं, एंड इज वन ऑफ द पर्सन्स बेस्ट एसेट, यानी कि ये आपकी एक क्वालिटी है जो कि आपके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर अचीविंग पीक परफॉर्मेंस एंड मैनेजिंग माइनर क्राइसिस। यानी कि यू स्ट्रेस इज अ गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट, यू आर हैविंग नेचर ऑफ स्ट्रेस। Alright, तो ये जो वर्ड है स्ट्रेस, ये कहाँ से लिया गया है? The word stress has its origin from the Latin word strictus, meaning tight or narrow, या फिर stringer, the verb meaning to tighten. अब ये आपका one mark question में आ सकता है कि it is a Latin word और ये कौन से word से लिया गया है। Next, you are having stressors. अब stressors क्या होते हैं? Stressors are the events which give rise to stress. Alright? So the reaction to the external stressor, उसको क्या बोलते हैं? Strain. अब now Hans Selye, he was the father of modern stress, and he did a research and defined stress as the non-specific response of the body to any demand. All right, to any demand that is regardless of the cause of the threat, the individual will respond with the same physiological pattern of the reaction. So it is the definition given by Hans Selye. Then come Lazarus has distinguished between two types of appraisals. All right, aur ye kaun se hote hain? Primary aur secondary. To primary appraisal mein kya aata hai? It refers to the perception of new or changing environment, jo ki teen tarah ka ho sakta hai: positive, negative ya fir neutral. So when we perceive an event as stressful, ab koi bhi event ko aapne stressful to consider kar liya hai, uske baad uska appraisal aata hai. So we are likely to make a secondary appraisal. जब आपने किसी condition को बोल दिया है कि हाँ वो stressful है, तो आपने primary appraisal तो उसे दे ही दिया, तब role play आता है secondary appraisal का, which is assessment of one's coping capabilities. अब जब stress present है तो आप secondary में judge कर रहे हो कि वो individual उस stress से कैसे cope up कर पा रहा है, कैसे overcome कर पा रहा है.
and resources and whether they will be sufficient to meet the harm, threat or challenge of the event. अब जब coping कर पा रहा है तो उन्हें किन किन criteria पे आप judge कर रहे हो कि वो sufficient है कि नहीं जिससे कि harm, threat और challenge prevent हो सके. So these appraisals are very subjective and will depend on many factors. जैसे कि एक factor है आपका is the past experience. यानी कि अगर आपने past में same stressful condition को situation को पहले face किया है या नहीं. और second में क्या आता है कि आपने अगर किया है उसको face तो आपने उसमें कैसे उसको sort out किया था. Have you done mastery over that particular situation or not? Next you have a general model of the stress process. अब अगर अपने answers को आप ऐसे flowchart के pattern में लिखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा for anyone who will go through your answer और आपके खुद के revision के लिए भी काफी beneficial होगा. इसलिए अपने answers को ऐसे layout करिए in a flowchart manner. So इसमें broad headings क्या आती हैं? Stressors जो कि events होते हैं जिनसे कि stress generate होता है, then personality characteristics and resources. These all give rise to stress appraisal जो कि हमें different different response देते हैं जैसे कि physiological, behavioral, emotional and cognitive. इन सब के बारे में डिटेल हम अभी पढ़ेंगे आगे. पहले हम जान लेते हैं कि इन इन फैक्टर्स में क्या आता है. अब स्ट्रेसर्स कैसे हो सकते हैं, उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं और डिमेंशंस होती हैं. टाइप्स क्या क्या होते हैं जैसे कि एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल या सोशल. तीनों टाइप से स्ट्रेस जनरेट होता है. नेक्स्ट डिमेंशन इंटेंसिटी यानी कि हाई इंटेंसिटी है कि लो इंटेंसिटी है. ड्यूरेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. Then complexity, it is more complex or less complex. And next comes predictability, यानी कि prognosis, outcome कैसा होगा उसका, favorable या unfavorable. Next you are having personality characteristic. इसमें broad headings क्या आती हैं? Physiological, psychological and cultural. Physiological में आता है physical health and the vulnerabilities Next psychological में आता है mental health, temperament और self-concept. इन तीनों के बारे में हमने earlier chapter में detail में discuss किया था. In case आप लोगों ने नहीं देखा है तो अब वहां से इसे cover up कीजिएगा. Next cultural में आता है cultural definitions and meanings. Now resources में broadly तीन आते हैं, physical money, personal skills and social support network. So an individual's experience of stress, जो stress का outcome होता है किसी individual पे, it depends on physiological strength of that person. यानी कि अगर कोई person काफी weak होगा, काफी poor physical health है उसकी, काफी weak है, then he would be more vulnerable than जो कि good health में होगा. इसलिए health का काफी important role play होता है in coping up with the stress. क्योंकि जब हम psychological characteristic के बारे में पढ़ेंगे, like mental health, temperament and self-concept are relevant to the experience of stress. ऐसे कि physical और psychological दोनों का ही role play होता है in coping up with the stressful conditions. Next you are having signs and symptoms of stress. जैसे कि these symptoms of stress can be physical, emotional and behavioral. Any of the symptoms can indicate a degree of stress which if left unresolved, यानी कि अगर आपने उसको resolve नहीं करा, solve नहीं करा, then might have serious implications. इसलिए उसको unresolved नहीं छोड़ा जा सकता, उसको solve करना ही है, sort out करना ही करना है. Further types of stress. अब stress तीन basic type का हो सकता है. It can be psychological, physical and environmental. Physical stress में क्या आता है? They are demands that change the state of body, जो कि काफी easily आप किसी को देख के समझ सकते हो कि हाँ ये उसमें present है. We feel strained when we overexert, यानी कि अगर आप कभी-कभी overexert feel करते हो, आपने बहुत ज़्यादा travel कर लिया है या बहुत ज़्यादा physical exercise कर लिया है ourselves physically, या फिर we lack nutritious diet. अगर आप काफी time से nutritious diet नहीं ले रहे हो, तो भी आप पे ये physical impact create करेगा. Or you may also suffer from injury or fail to get enough sleep, क्योंकि ये सब हमारे physical health में काफी important होता है. Alright then, next you are having environmental stresses. अब ये वाली जो conditions होती हैं, ये usually काफी unavoidable होती हैं. जैसे कि air pollution, crowding, heat and noise. तो ये सब prevalent है environment में. आप इनको चाहकर भी avoid नहीं कर सकते हो. अब sometimes ये वाले जो stress होते हैं, ये काफी devastating भी होते हैं. जैसे कि catastrophic बोलते हैं इन्हें. And these are like disasters such as fire, tsunami or earthquakes. Next you have psychological stress. अब ये psychological stress जो होता है, ये हम खुद create करते हैं in our minds. अब ये काफी depend होता है from person to person. जैसे कि these are personal and unique
टू द पर्सन एक्सपीरियंसेस, यानी कि कोई चीज मुझे इरिटेटिंग लग सकती है, मे बी आप लोगों को इरिटेटिंग ना लगे, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है. वी वरी अबाउट प्रॉब्लम्स, फील एंग्जाइटी एंड बिकम डिप्रेस्ड बाय द आउटकम ऑफ ऑल दीज स्ट्रेस सिम्टम्स. दीज आर नॉट ओनली सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, बट फर्दर दे व्हाट दिस डू, दीज आर नॉट ओनली सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस बट दे कॉज फर्दर स्ट्रेस फॉर अस. एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आर फ्रस्ट्रेशन, कंफ्लिक्ट, इंटरनल एंड सोशल प्रेशर. अब फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, कितनी जल्दी जल्दी बोलते हैं हम ये वर्ड, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ यार मैं इस, अब कितनी फटाफट हम यूज करते हैं ये वर्ड फ्रस्ट्रेशन, कि ये पर्टिकुलर जो बिहेवियर है काफी फ्रस्ट्रेटिंग है. तो क्या होता है फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव्स बाय समथिंग और समवन दैट हिंडर्स अस फ्रॉम अचीविंग अ डिजायर्ड गोल. जैसे कि अगर रिपीटेडली एक स्टूडेंट अपने स्कूल में काफी लो ग्रेड्स ला रहा है तो वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी फ्रस्ट्रेशन काफी इंक्रीज हो सकता है. एंड अगर आपको सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये भी काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है. नेक्स्ट यू हैव कंफ्लिक्ट. कंफ्लिक्ट में भी बिटवीन टू और मोर इनकम्पैटिबल नीड्स और मोटिव्स, यानी कि आप कंफ्यूज हो कि आपको अभी स्टडी करना है, डांस करना है या फिर साइकोलॉजी को पढ़ना है. अब एक कंफ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में कि मैं किस रास्ते जाऊं. ऑलराइट, नेक्स्ट यू हैव इंटरपर्सनल प्रेशर. इंटरपर्सनल प्रेशर इट स्टेम्स फ्रॉम बिलीव्स बेस्ड अपॉन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इनसाइड अस टू आवरसेल्फ्स, सच एज आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली. अब एवरीथिंग तो परफेक्ट हो नहीं सकती है, तो अगर आप अनरियलिस्टिक गोल रखोगे तो डेफिनेटली ये भी आपको अल्टीमेटली स्ट्रेस ही रिजल्ट करेगा. क्यों? क्योंकि आपका गोल ही अनरियलिस्टिक है, इसलिए ये आप में इंटरनल प्रेशर को गिव राइज करेगा. नेक्स्ट यू हैव सोशल प्रेशर. जैसे कि मे बी ब्रॉट अबाउट बाय पीपल हु मेक एक्सेसिव डिमांड्स ऑन अस एंड देयर आर पीपल विद हुम वी फेस इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज एज अ पर्सनालिटी क्लैश सॉर्ट ऑफ. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे वर्क प्लेस पे जो मेरे बॉस है वो काफी लाउड है, तो अब वो बॉस है वो बॉस रहेंगे, जो वो बोल रहे हैं मुझे सुनना ही सुनना है, लेकिन क्योंकि वो लाउड है वो ऐसे ही रहेंगे, तो ये मेरे पे एक सोशल प्रेशर क्रिएट करेगा. आई हैव टू बी एट दैट प्लेस एंड एट द सेम टाइम आई एम गेटिंग स्ट्रेस बाय दैट लाउड एटीट्यूड. नेक्स्ट यू हैव सोशल स्ट्रेस. अब इसमें आते हैं लाइफ इवेंट्स, हैसल्स एंड ट्रॉमेटिक इवेंट्स. लाइफ इवेंट्स में क्या क्या आते हैं, मेजर पार्ट्स, जैसे कि वी शैल लर्न टू कोप विद द स्मॉल एवरीडे चेंजेस, बट major life events can be stressful because they disturb our routine activities. If several of these life events that are planned, jaise ki moving into a new house, agar aapko pehle se hi pata hai ki aapko house shift karna hai, to fir aap kafi stressful nahi feel karoge. Next, unpredicted, jaise ki breakup of a long term relationship occur within a short period of time, we find it difficult to cope with the present situation and be more prone to the symptoms of stress. Further, you have hassles. These are the personal stresses we endure as individuals due to happenings in our daily life, such as quarrelsome neighbors. Ab neighbors wahi present rahenge, unka attitude agar quarrelsome hai, to fir ye kya karega? It will create a hassle and hence stress in your life. Ya fir shortage of water, electricity, etc. Jo bhi daily activities or daily needful things hai, usme shortage ho jana. Next, the more stress people report as a result of daily hassles, the poorer is their psychological well-being. इसलिए इन सबसे हमें फटाफट cope up करना start कर देना चाहिए, otherwise ये हमारी psychological health को hamper करता है. Next you have traumatic events. Traumatic events होते हैं something major. जैसे कि these includes being involved in a variety of extreme conditions, जबकि काफी unavoidable होती है, जैसे कि earthquake, accident, robbery या फिर tsunami. इनको हम चाहकर भी avoid नहीं कर सकते. Then you have effect of stress on psychological functioning and health. Emotional, physiological, cognitive and behavioral. Emotional effects में क्या क्या आएगा? Those who suffer from stress are far more likely to experience mood swing and show erratic, यानी कि irritating behavior that may alienate them from family and friends. अब कोई काफी irritating attitude होगा तो family और friends उसको काफी side कर देंगे. Next, in some cases, this can start a vicious circle of decreasing confidence, leading to more serious emotions and emotional problems. Next, you have physiological effects. इसमें क्या-क्या आता है? When the human body is placed under physical or psychological stress, अब यहाँ पे hormone का role play आता है. It increases the production of certain hormones such as adrenaline and cortisol. This physical reaction will help us to function more effectively when we are under pressure
and for a short periods of time it can be extremely damaging to the body in the long term effects. Examples are of physiological effect are release of epinephrine and norepinephrine. Dono ka hi release slowing down on the digestive system, expansion of the air passages, lungs, increased heart rate and constriction of the blood vessels. Ab ye stress ka role hai aapki health pe jo bhi kafi negative hai. Next you have cognitive effect. Cognitive ka matlab hota hai pertaining to your mental actions. If pressure due to stress continue, one may suffer from mental overload. Kyunki cognitive ka matlab hi hota hai relating to mental actions. Still suffering from high level of stress can rapidly cause individuals to lose their ability to sound decisions. Ab aap sound decisions nahi le paoge kyunki aapki mental health jo hai wo hamper ho gayi hai. Cognitive effects of the stress are poor concentration, reduced short and short term memory. Next, behavioral effects. Stress effects are behavioral in the form of eating less nutritious food, increasing intake of stimulus such as caffeine. Ab hum cope up jab karne ki koshish karte hain to hum apne aap ko kafi inculcate kar lete hain in wrongful habits. Some of the typical behavioral effects of the stress can be seen as disrupted sleep patterns, increased absenteeism and reduced work performance at your workplace. That's how we have completed part 1 of this particular chapter. After next lecture mein hum continue karenge from stress and health onwards. By Learn Karo premium subscription you can attend live classes anywhere anytime. You can analyze your own performance. Study material aapko provide karaya jayega in PDF format. In case agar aapko akele padhna kafi boring lagta ho, then you will be enrolled in classes along with your peer groups. Aap doubt clearing session attend kar sakte ho both online as well as offline. And you can also attend live test, quiz and assignments. Aap hamara official app download kijiye, Learn Karo, the live learning app, and you may also join us on Telegram. Dono ke links description box mein provided hain. Still if you have any doubts, any queries, do ask me in the comment section below. I shall meet you in the next class. Till that time, stay safe, keep studying. All the best. Bye bye.